वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं बराह रास्त। तो उसके लिए भी चाहते हैं कि टीवी पे आ जाएं। मुझे ये शौक कम है, लेकिन आज मैंने कहा दो तीन चीज़ें जिसकी वजह से मुझे आप सबके सामने आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, नासिर शाह साहब ने, सईद गनी साहब ने भी उसका जिक्र किया, वो आईन जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें दिया, वो आईन जिसको बहुत सारे डिक्टेटर आए, ज़ियाउल्लाह था, मुशर्रफ था, उन्होंने उसका हुलिया बिगाड़ा, फिर उसको मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के जरिए कुछ अपनी शक्ल में लाए, लेकिन एक चीज उसमें रह गई थी जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मीसाक़े जम्हूरियत में अपनी कौम से ये यादा किया था कि हम आम आदमी को जो उसकी अमन अदल की जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए अदलिया में तब्दीली लाएंगे, इसलिए कि अदलिया का सारा टाइम तो लगा देते हैं जो एक सियासी किस्म के मुकदमे बना के और फिर कोशिश करते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा तशहीर हो। मैं ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सारे सियासी कारकुन हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, पता नहीं कितनी बार तो सईद गनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंसा हुआ है, इस चक्कर में अभी भी शायद फंसा हुआ हो। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 2006 में ये महसूस कर लिया था कि अगर अदलिया में इस्लाहात नहीं लाई जाए तो हमारे मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। और अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इस बात को आगे लेके गए, आपने देखा कि उन्होंने ना सिर्फ मीसाक़े जम्हूरियत की बात की, उन्होंने कायदे अली जिन्ना की तकारीर भी बताई, उन्होंने जस्टिस दौराब पटेल जैसे जज जिन्होंने एक डिक्टेटर एक आमिर के सामने हलफ नहीं उठाया था उसके बारे में भी बताया, और चेयरमैन साहब ने जो एक वादा किया कि मैं एक कंसेंसस डेवलप करूंगा, ये जो कह रहे थे नंबर तो पूरे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहूंगा कि हर एक के पास मैं जाऊं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वकला की तंजीमों के पास भी गए, मीडिया में कई बार आए, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कायल किया, और उन्होंने ये भी कोशिश की कि वो जमात जिसका अपना नाम तो इंसाफ पे मबनी है उसको भी कायल करें, लेकिन मजबूरी उस जमात की यह थी कि उसका जो लीडर है वो इंसाफ पे यकीन नहीं रखता। और मैं आपको ये शर्तियां बताता हूं इसलिए कि मुझे भी पता था उसकी पूरी जमात तैयार थी, कई बार कह चुकी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया कि जी वो राजी हैं, लेकिन वो जो ना इंसाफ आदमी है उसने किए किराए पे पानी फेरने की कोशिश की,
लेकिन ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिम्मत थी, और मैं इसमें मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र भी खास तौर पे करूंगा कि उन्होंने सबको इकट्ठा किया और ये तरमीम, चाहे आप जो कुछ भी कहें, इसलिए कि वो जो 80-90 लोग थे वो भी राजी थे। एक शख्स जो इस वक्त मेंबर नहीं है असेंबली का, जो किसी जमात का सदर भी नहीं है, वो सिर्फ राजी नहीं था, उसमें वो मजबूर थे उसके आगे। और उन लोगों ने ना चाहते हुए भी बायकॉट किया, आए नहीं, कुछ लोग आए, जबकि वो रिकॉर्ड पे जैसे मैंने कहा मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि जी हमें मंजूर है ये तरामीम। तो ये तरामीम जो हुई है, जैसे पहले आइन बना था 1973 में, जैसे 18वीं तरमीम जो 2010 में हुई थी, उसी तरीके से ये 26वीं आइनी तरमीम भी कंसेंसस से हुई है, वो सारे लोग राजी थे। एक जो मेंबर नहीं है, जो किसी जमात का लीडर नहीं है, वो राजी नहीं था, तो सिर्फ एक मुनरफ था, बाकी सारों ने मुत्तफिका तौर पर यह आइन में अमेंडमेंट्स मंजूर किए हैं। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, और ख़ास तौर पे आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपका लीडर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उसने इस मुहिम को लीड किया, वो सुरखरू हुआ, और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में अदल, इंसाफ और आईन की जब तारीख लिखी जाएगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम होगा उसमें। इसके साथ साथ आप सबको मुबारकबाद मीर जुल्फिकार इस दुनिया में आ गए, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरी बार मामू बने हैं, और सदर आसिफ अली जरदारी नाना बने हैं। हम सब, कोई नाना बना है, कोई भाई बना है, कोई चाचा बना है, कोई मामा बना है, हम सब और आप सब, इसकी भी खुशी है कि जिस दिन आईनी तरमीम मंजूर हुई उसी के साथ बीबी बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा के घर में मीर जुल्फिकार पैदा हुआ।